हेलो चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट पेज नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्किल कौन सा पैटर्न सर्किल बनाया है तो आपको बताना है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक पैटर्न्स विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्किल तो हम देख रहे हैं क्या कि पैटर्न जे में जो है सर्किल बनाया गया है तो हमारा आंसर होगा पैटर्न जे इज मैड इन ए सर्किल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स ए लाइन कौन से पैटर्न में आप देख सकते हैं कि मिरर्स देखने पर हुए हाफ दिखाई देते हैं और आपको ड्राइ लाइन खींचना है तो आप देख सकते हैं कि कौन से पैटर्न में मिररस देखने पर आपको लाइन हाफ़ दिखाई देता है तो पैटर्न ए में देखते हैं मिरर खींचने पर क्या होता है वो हाफ दिखाई देता है बी में दिखाई देता है इस तरह से आप लोग लाइन खींचेगा उसके बाद एच में नेक्स्ट आई में उसके बाद जे में इस तरह से आप लाइन खींचेगा तो क्या होगा कि मिरर्स देखने पे वो पैटर्न हाफ दिखाई देगा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नो यू ड्रॉ न्यू फ्लोर पैटर्न्स आपको कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न्स ड्रा करने हैं जैसा कि आपने ऊपर में देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर पैटर्न थे इस तरह से आपको कुछ और न्यू फ्लोर पैटर्न ड्रा करने हैं कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक्स आप कैसे ब्रिक ड्रॉ करते हैं अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दीज आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक्स यहाँ पे आपको दो फोटो दिए गए सेम ब्रिक्स के इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक्स इन द अदर वी कैन सी थ्री फेसेस सर्किल द फोटो शोइंग थ्री फेसेस यहाँ पर आपको दो फोटो दिए गए ब्रिक्स के जिसमें एक फ़ोटो में केवल वन फेज देखते हैं हम लोग और दूसरे फोटो में थ्री फेज देखते हैं तो कौन से फोटो में हम थ्री फेज देखते हैं उसको क्या करना है सर्किल करना है तो कौन से फ़ोटो हम थ्री फेज देख रहे हैं तो फिगर वन में हम थ्री फेज देख रहे हैं तो इसको आप लोग सर्किल कर दीजिए इस तरह से म टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ये ब्रिक है आप ब्रिक्स में कितने फेज देखते हैं तो ब्रिक्स में हम कितने फेज देखते हैं टोटल तो सिक्स फेसेस तो यहाँ लिखेंगे सिक्स इच एनी फेस स्क्वायर क्या कोई फेस स्क्वायर होता है तो नो no. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ आंसर नो ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक आपको स्मॉलेस्ट फेस बनाना ब्रिक्स का तो आप एक स्मॉलेस्ट फेस ब्रिक्स का इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज आर देश ऑफ ए ब्रिक्स मार्क अब कौन सा ब्रिक्स का फेस है उसको आपको मार्क करना है तो देख रहे हमें इसमें कौन कौन सा फिगर फेस है ब्रिक्स का तो ये फि है और ये है तो इसमें आप लोग को मार्क करना है नेक्स्ट क्वेश्चन कम ऑफ दीज इज ए ड्राॅइंग ऑफ ए ब्रिक्स अब कौन सा ब्रिक्स का ड्राॅइंग है उसको आपको बताना है तो कौन सा हमारा ब्रिक्स का ड्राइंग है यह है और यह है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसलिए ये ब्रिक्स का ड्राइंग होगा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेसेस अब आपको ज्योमेट्री बॉक्स से बनाना है जिसमें कि आपको थ्री फेस दिखाई देता है तो ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है इसको आप इस तरह से बनाइए कि आपको ये थ्री फेज दिखाई दें कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू मैके ड्राॅइंग ऑफ फी ब्रिक विथ सो फोर ऑफ इट्स फेसेस क्या आप ब्रिक्स का ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें आप चार फेज देखते हो तो नहीं तो हम लोग लिखेंगे आंसर नो आई कॉन्ट ए ड्राॅइंग ऑफ ब्रिक्स विथ सो फोर ऑफ इट्स फेसेस ए वाल दैट विल नॉट फॉल एक दीवाल जो नहीं गिरेगा वन डे मुनिया एंड जेनब आर प्लेइंग विथ ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स एक दिन मुनिया और जेनब खेल रहे थे ब्रिक्स के साथ और उसके ब्रिक्स के साथ वो दीवाल बनाए थे इच मै के डिफरेंट वाल प्रत्येक ने डिफरेंट वाल बनाया था ब्रिक्स से ये आपका जैनब का है वाल और ये मुनिया का वाल है जैनब से हर वाल विल नॉट फॉल इजली मैसॉन टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन वाट डू यू थिंक विच वॉल बी स्ट्रोंगर आप क्या सोचते हैं कि कौन सा वॉल स्ट्रोंगर होगा तो हमारा आंसर होगा मुनिया मुनिया वॉल बी स्ट्रोंगर तो यहां आप लिखेगा एम यू एन आई वाई एमोनिया लुक फोर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न डिफरेंट वाल पैटर्नस हेयर आर फोटोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ ब्रिक वॉल्स यहाँ आपको थ्री काइंड ऑफ ब्रिक्स वाल्स दिए गए फोटो में कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द्रिक्स आर प्लेस्ड आपको बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है ब्रिक्स के प्लेस में नो मैच द फोटो ऑफ इच वॉल द कॉरेक्ट ड्राइंग बिलोम और आपको मैच करना है फ़ोटो से कॉरेक्ट ड्राॅइंग बिलोम नीचे जो आपको दिए गए ब्रिक्स के पैटर्न उससे आपको करेक्ट मैच करना है तो हम देख रहे हैं फर्स्ट का किससे मैच कर रहा है तो फर्स्ट फिगर किस में मैच करा है सेकेंड से तो इसको इससे मैच करेंगे सेकेंड फिगर किससे मैच कर रहा है तो सेकेंड फिगर मेरा किससे मैच करेगा थर्ड से तो ये हो गया और थर्ड फिगर किससे मैच करेगा इससे तो ये आपका हो गया इस थर्ड फिगर का मैच थैंक यू